हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे पता लगाएं। एक टेस्ट आ गया, IgG एंटीबॉडीज़ या फिर कोविड एंटीबॉडीज़ टेस्ट। कुछ और ख़बरें भी आई इम्यूनिटी के बारे में कि कितनी देर तक इम्यूनिटी रहती है। हालांकि हमें पता था इस बारे में पहले से, लेकिन आज क्योंकि कल ऐसे वीडियोस घूम रहे हैं कि इम्यूनिटी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, 2-3 महीने के बाद फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ डिटेल में, और पहले ये बताऊंगा कि ये जो टेस्ट है इसका पॉजिटिव तो आ गया। अब आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ, आपने टेस्ट कराया, आपका पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। सबसे बड़ा पहली चीज़ तो इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने दिनों के बाद टेस्ट करा रहे हैं। आपको जब सिम्टम फ्री हो जाओ तो कोशिश करें उसके 2 हफ्ते बाद टेस्ट कराएं। सिम्टम फ्री होने के 2 हफ्ते बाद टेस्ट कराएं, 14 दिन के बाद कराएं। जितना लेट कराओगे उतना अच्छा है, नंबर वन। नंबर टू, आपका टेस्ट कितना पॉजिटिव आता है, ठीक है, उसकी मात्रा। जैसे आप विडाल टेस्ट कराते हो, कि इन लोगों ने अगर टाइफाइड का टेस्ट कराया होगा तो विडाल टेस्ट में ये लिखा होता है कितने टाइटर पॉजिटिव है। मतलब आप मोटा मोटा यूनिट लगा लो कि अगर हम COVID-19 की एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराते हैं, अगर वो 160 तक आपका 160 तक 1:160 की मात्रा तक पॉजिटिव आता है तो आपके अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी बन चुकी है। अगर आप 80 तक आता है 1:180 तो इम्यूनिटी ठीक ठाक है, और अगर 1:40 ये 40-80 की रेशो होती है, डबल करते जाते हैं, 40, 80, 160, 320 भी होता होगा जरूर, लेकिन अभी जो देखा गया है कि 160 तक आप अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बन चुकी है। अगर 80 तक आता है तो ठीक ठाक मामला है, अगर उससे कम है 40 पे है तो इसका मतलब मामला थोड़ा नाजुक है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं बनी है। तो ये जो लास्ट वाला ग्रुप है जिसमें 40 पे आ रहा है, एंटीबॉडी पॉजिटिव तो आ रही हैं लेकिन बहुत वीक इम्यूनिटी है, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने बहुत जल्दी टेस्ट करा लिया हो। आपको कोविड हुआ, आपने जैसे ही आप सिम्टम फ्री हुए आपने 4-5 दिन जाके टेस्ट करा लिया, तो ज़्यादा नहीं आएगा। फिर उनको ये बोला जाता है कि आप 1 महीने बाद अपना टेस्ट रिपीट करा के देखो, तो बेटर यही है कि आप अपना टेस्ट इन्फेक्शन होने के जब आप सिम्टम फ्री हो जाओ, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, यानी कि तो उसके 14 दिन बाद टेस्ट कराएं। जब आपका फीवर उतर गया, सब कुछ ठीक हो गया, उसके 14 दिन बाद टेस्ट कराएं, ये बात है। पहली चीज़ तो मैंने बता दी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। ये तो पता चलेगा कि इम्यूनिटी बन चुकी है, लेकिन क्या वीक इम्यूनिटी बनी है, क्या स्ट्रांग इम्यूनिटी बनी है, या सिर्फ ठीक ठाक है, इसका सीधा सीधा संबंध है आपके आने वाले टाइम से। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि कल को ये इन्फेक्शन, अभी जैसे कि दिल्ली में मैं जैसे बात कर रहा हूँ, दिल्ली में थोड़ा सा इसका पीक लगता है कि ओवर हो चुका है, ये फ्लैट होता जा रहा है, कर्व नीचे आता जा रहा है। जहाँ पहले 3,500 केसेस आ रहे थे, आज की डेट में शायद 1,500 के आसपास आ चुके हैं। ऐसे बाकी जगह पे भी होगा, न्यूयॉर्क में भी ऐसा हुआ, लेकिन एक डर ये होता है कि सेकेंड वेव यानी ये इन्फेक्शन जाने के बाद वापस लौट के ना आ जाए 2-3 महीने के बाद, तब क्या होगा। बात वहीं आ गई सारी आपकी इम्यूनिटी पे, क्या आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब बात डिपेंड करेगी आपके अंदर जो इम्यूनिटी बनी थी वो कितनी स्ट्रांग थी और कितने दिन तक रहती है इम्यूनिटी। ये सवाल कल एक वीडियोज आ रहा था कि शायद 3 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाती है। सच बात ये है कि दोस्तों कि इसके बारे में पता लगा पाना कि ये इम्यूनिटी कितने दिन तक रहेगी ये कोई भी नहीं बता सकता। कोई अगर कहता 3 महीने, तो आज अगर ये न्यूज़ आ रही है कि 3 महीने तक रहती है तो कल आपको कुछ और न्यूज़ भी आएंगी, क्योंकि वायरस नया है, स्टडी हो रही है, हर रोज़ नई स्टडी होती है। तो मेरा मानना है कि 3 से 6 महीने तक ये इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा, ये जो इम्यूनिटी पासपोर्ट मैंने बनाया ये 3 से 6 महीने तक वैलिड रहेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी बनी कितनी। तो वो टेस्ट जो है वो आपको बता सकता है आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग बनी है। मैंने पहले ही बताया, आप उसका जो टाइटर्स हैं अगर 160 तक है तो इसका मतलब 1:160 के आसपास है टाइटर, तो स्ट्रांग इम्यूनिटी है। 40 के आसपास है तो कम है, 80 के आसपास है तो नॉर्मल, यानी बीच की इम्यूनिटी है। तो सब कुछ हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि क्या हमें दोबारा इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब सेकेंड वेव आएगी इसका आंसर आने के बाद ही पता चलेगा कि सेकेंड वेव आपको दोबारा से इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी तो आप सिर्फ इतना पता लगा सकते हो कि आपको पहले इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपके इन्फेक्शन पहले हो चुका है, एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है। कितना पॉजिटिव आता है तो उससे ये पता चलेगा आपकी इम्यूनिटी कितनी बन चुकी है, और आपको दोबारा इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों इसका आंसर तो कोई भी नहीं बता सकता, सच बता रहा हूँ, जो ये बताएगा पता नहीं, कोई भी नहीं बता सकता।
ये इम्यूनिटी का खेल है, ये वायरस नया है, इसके बारे में प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है कि वापस आएगा नहीं आएगा, किसको इन्फेक्ट करेगा, बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ये स्टडी होती रहेंगी हर दो, आप देखोगे हर 2-3 हफ्ते बाद एक नई स्टडी आ जाती है, नए सिम्टम आ जाते हैं, सब कुछ नया हो जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप लोगों को एक्सपीरियंस होता जाएगा, हम लोगों को एक्सपीरियंस होता जाएगा, नई नई जो हम रिसर्च कर रहे हैं, खुद अपने एक्सपीरियंस से जो हम देख रहे हैं कि ये दवाई अच्छी है, ये दवाई काम की है, इसके ये साइड इफेक्ट हैं, तो ये सब हमें धीरे धीरे पता चलेंगे। तो इम्यूनिटी के बारे में कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता ये इम्यूनिटी कितने दिन तक रहेगी। मेरा अपना मानना है कि जो 3 से 6 महीने के आसपास ये इम्यूनिटी आपकी रह सकती है, सालों तक तो पता नहीं किसी की रहेगी नहीं रहेगी। इम्यूनिटी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कोई भी नहीं कर सकता, ये इन्फेक्शन दोबारा आपको होगा या नहीं होगा ये आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। और स्पेनिश फ्लू के टाइम पे ये देखा गया था कि इन्फेक्शन जब सेकेंड वेव आई थी अक्टूबर नवंबर में जाके, पहले जुलाई में आया था, फिर अक्टूबर नवंबर में जो सेकेंड वेव आई थी उसमें वो ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आप चोरों के तो घूमते रहो लेकिन आपने ये मान लिया कि भाई हम तो बिल्कुल सेफ हो गए। जो वीक इम्यूनिटी वाले हैं, जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं और जिनको एक बार होके ठीक हो गया, अगर उनको दोबारा इन्फेक्शन होता है तो दोस्तों उनको ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी, सच बता रहा हूँ। री इन्फेक्शन होना मतलब खतरनाक बात है, वो पहले से भी घातक साबित हो सकता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन होगा नहीं होगा ये कोई भी नहीं जानता। इसका आंसर किसी के पास नहीं है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी इम्यूनिटी पे और आप अपने प्रिकॉशंस आगे भी कैसे लेते हो ये आपको सोच के रखना पड़ेगा। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि मुझे हो गया मैं मास्क उतार दूं, सर अभी वेट करो 2020 तक वेट करना पड़ेगा, 2021 में जाके सब कुछ क्लियर होगा कि हम किस रास्ते पे हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कि आप कैसे पता लगाएंगे आपकी इम्यूनिटी कितनी बनी है, क्या इन्फेक्शन दोबारा होगा या नहीं होगा, सब कुछ हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वायरस अपना प्रकार बदलता रहता है, म्यूटेशंस होते रहते हैं, इसीलिए वायरस दोबारा होने का चांस रहता है, क्योंकि वायरस में चेंजेस आते जाते हैं, आज वो एक रूप है कल को दूसरा रूप बदल लेता है, इसीलिए दोबारा होता है। तो सेकेंड वेव ना आए मैं इसके लिए प्रे करता हूँ, आप लोग स्वस्थ रहें, अस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो, मैं ये आपसे प्रे करता हूँ, सबके लिए प्रे करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और क्या बोलूँ यार, इस वायरस ने ना जीने नहीं दिया, पूरा साल ऐसा निकल गया, बस समझ नहीं आ रहा। हैप्पी न्यू ईयर अब बोलेंगे या नहीं बोलेंगे 2021 को, या हैप्पी गुड बाय बोलेंगे 2020 को, किसी को नहीं पता। जितना जल्दी चला जाए साल उतना अच्छा। बाय, थैंक यू वेरी मच। और अपना ध्यान रखिएगा, इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि यार मुझे तो मेरी तो एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गई अब मैं मस्त हूँ। बिल्कुल आप मस्त हो थोड़े टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए ये मुझे भी नहीं पता। 2 महीने के लिए मस्त रहो, 4 महीने के रहोगे, 5 रहोगे, 6 रहोगे, 7 रहोगे, 8 रहोगे, साल रहोगे, ये किसी को नहीं पता है इम्यूनिटी कितने। पर मेरा अपना मानना है जो रिसर्च हुई है कि 3 से 6 महीने तक, मैक्सिमम 1 साल तक इम्यूनिटी रह सकती है किसी इंसान में, और दोबारा इन्फेक्शन होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, ओनली गॉड नोज। बाय, थैंक यू वेरी मच। बाय, और सब्सक्राइब कर देना यारो, अब तो मुझे बोलना पड़ता है, तुम लोग इतने ना क्या बोलूँ यार, थोड़ा सोच लिया करो। इतनी मेहनत करता हूँ मैं रोज, इस बुढ़ापे में एक वीडियो लेकर आता हूँ, नहीं बुढ़ापा नहीं सॉरी जवानी में, फिर लोग बोलते हैं सर आप क्यों बोलते हो। चलो थैंक यू वेरी मच, नो बकवास, बस बहुत हो गया, बाय।